हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट द थ्री पीज, दैट इज द ऑफ थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के ऑब्जेक्टिव्स कहे जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं थ्री पीज, तो इनमें से कौन सा एक पी का फुल फॉर्म है जो कि वो नहीं है। तो थ्री पीज का फुल फॉर्म कौन सा है, अगर आपको पता है तो आप आंसर ऑप्ट कर सकते हैं। तो प्रोग्रेस, पोजीशन, प्रोस्पेक्ट्स या प्रमोशन। सो आंसर विल बी व्हाट, प्रमोशन, राइट। तो थ्री पीज ऑब्जेक्टिव जो आते हैं वो कौन कौन से हैं, प्रोग्रेस, पोजीशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, और ये किसके हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। When all the figures in a balance sheet are stated as percentage of the total, it is termed as horizontal analysis. तो जब balance sheet में जितने भी figures दिए गए हैं उन सभी को percentage के form में represent किया जाता है तो उसे हम horizontal analysis कहते हैं। B option कहता है, when financial statement of several years are analyzed, it is termed as vertical analysis. तो जब हम कई सालों के financial statement को analysis करते हैं तो उसको हम vertical analysis कहते हैं। और सी कहता है, वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज डायनेमिक एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस को हम डायनेमिक एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है और कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बोथ ए एंड सी, इसका मतलब ए और सी जो स्टेटमेंट है वो कैसा स्टेटमेंट है, गलत है, जबकि बी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ देम आर टू, इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो वेन रेशियो ऑफ प्रीवियस ईयर कंपनी विथ करेंट ईयर्स, दे आर कॉल्ड ट्रेंड एनालिसिस। तो जब कंपनी के जो करेंट ईयर्स के बैलेंस शीट सारे फिगर्स हैं वो और प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स के बेसिस पे प्रीवियस ईयर्स का हम करते हैं, सो क्वेश्चन है, व्हेन, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। व्हेन रेशियोज ऑफ प्रीवियस ईयर आर कंपेयर्ड विथ करेंट ईयर्स, दे आर कॉल्ड ट्रेंड रेशियो। तो कह रहा है कि जब हम पिछले साल के रेशियोज़ को करेंट ईयर के रेशियो से कंपेयर करते हैं तो उसको हम ट्रेंड रेशियो कहते हैं, ठीक है। ट्रेंड परसेंटेज एंड ट्रेंड रेशियो आर यूज इन स्टैटिक एनालिसिस। तो ट्रेंड परसेंटेज और ट्रेंड रेशियो जो हम कैलकुलेट करते हैं उसका यूज़ हम स्टैटिक एनालिसिस करने में करते हैं। रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल एनालिसिस कितना रिलायबल है, कितना ट्रस्टेबल है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो फाइनेंशियल डेटा यूज़ किया गया वो कितना रिलायबल है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, सो आंसर हो जाएगा तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। देखो ट्रेंड, ट्रेंड कैसे पता चलेगा, जब हम पास से पूरा देखेंगे ना कि पिछले पहले क्या था अभी क्या है, तो ट्रेंड कैसा चल रहा है, तो हम पिछले के रेशियो को इस साल के रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं तो ट्रेंड रेशियो कहलाएगा, राइट। तो ये सारे ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हाइलाइट्स द ट्रेंड ऑफ द डैश ऑफ द बिजनेस। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन है वो ट्रेंड किस चीज़ के हाईलाइट करता है बिजनेस में, फाइनेंशियल पोजीशन को, परफॉर्मेंस को, प्रॉफिटेबिलिटी को, किस चीज़ के ट्रेंड को हाईलाइट करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं उससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, सभी का ट्रेंड पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिसिस ऑफ एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेस, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना, तो इसका मतलब हम क्या क्या चीज़ों को कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट, पी एंड एल, ट्रेडिंग अकाउंट, ऑल ऑफ दी अबव। आंसर विल बी व्हाट, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करें इसका मतलब हम सभी को एनालिसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन है, कॉमन साइज बैलेंस शीट शोज रिलेटिव वैल्यू ऑफ द वेरियस आइटम। तो जो कॉमन साइज का बैलेंस शीट होता है वो क्या है, वेरियस आइटम्स के रिलेटिव वैल्यू को शो करता है। नेक्स्ट है, इन द कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट का तो ये हो गया, इनकम स्टेटमेंट के बारे में कह रहे हैं कि इन द कॉमन साइज ऑफ इनकम स्टेटमेंट ईच प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स फिगर। तो जितना भी चीज़ें हैं वो उनके नेट सेल्स पे परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है,
पर सी कहता है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द वेरियस एलिमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर जितना भी इनकम स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट किया जाता है कॉमन साइज की हर चीज़ें क्या होती है ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज में बेस्ड होती हैं। तो पहला वाला नेट सेल्स की फिगर्स बात कर रहा था, ये केस पे कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट पे, आपको बताना सही कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा ए और बी, मतलब क्या हो गया आपका ए और बी सही है। सेल्स पे नेट सेल्स के बेसिस पे इनकम का जाता है और सभी आइटम्स के रिलेटिव वैल्यू बैलेंस शीट में जाती है, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट वाला क्या है रॉन्ग है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, एक्सटर्नल एनालिसिस डिपेंड्स एंटायरली ऑन इश्यूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो एक्सटर्नल एनालिसिस हम करते हैं वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इशू किया गया है। इंटरप्रिटेशन एनालिसिस बोथ आर डिफरेंट, इंटरप्रेट करना और एनालिसिस करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस कवर्स इंटरप्रिटेशन और फाइनेंशियल एनालिसिस में हम इंटरप्रिटेशन को भी कवर करते हैं। तो आंसर सही क्या हो जाएगा, आंसर तीनों ही सही हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एनालिसिस किस पर डिपेंड करता है पूरी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस दोनों ही डिफरेंट चीज़ें होती हैं और जो फाइनेंशियल एनालिसिस होती है उसके अंदर आपका इंटरप्रिटेशन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक्स टूल्स और मेथड ऑफ एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सा टेक्निक टूल है या मेथड हम कह सकते हैं कि जिसके बेसिस पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करते हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस, एवरेज एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस या ऑल ऑफ दी अबव। सो आंसर विल बी व्हाट, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे ही वो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनके बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं और रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं कि एग्जैक्टली क्या कह रहा है। हमने जैसे कि रेशियो में निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला, पिछले साल का निकाला, इस साल का निकाला, तो हम इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि भाई इस बार मेरा 20% का प्रॉफिट हो रहा है या 30, जो भी रिजल्ट है इतना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, पिछले साल हमारा इतने परसेंट का प्रॉफिट था, तो हम ये इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज पी एंड एल को मोर के कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इंक्लूड, किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या इंक्लूड होता है। तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द फर्म्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। पर्टिकुलर डेट पे कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन थी ये कौन सा स्टेटमेंट बताता है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, बैलेंस शीट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सो आंसर विल बी व्हाट, बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं एज ऑन डेट, तो वो बताता है कि आज की डेट पे आपकी क्या कंडीशन है, आपके पास इतने के एसेट्स हैं, आपके इतने लोन हैं, आपकी इतनी कैपिटल आज की डेट के, एज ऑन 31 मार्च हम बनाते हैं, तो 31 मार्च की डेट पे अगर आप खड़े हैं तो आज आपकी कंडीशन ये है, राइट। तो वो आपका बैलेंस शीट बताता है। और जब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से कौन से वो जो है कौन सा है जो इंटरनल यूज़र नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टर, इनकम टैक्स अथॉरिटी, स्टेट यूनियन, ऑल ऑफ दी अबव। सो आंसर विल बी व्हाट, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सारे ही क्या है इंटरनल यूज़र नहीं कहे जाते, इन्वेस्टर भी एक्सटर्नल, इनकम टैक्स अथॉरिटी, स्टेट यूनियन सब आउटसाइडर्स होते, एक्सटर्नल होते, इंटरनल यूज़र नहीं कहे जाते हैं। ठीक है, आपको बताना भी यही था कि नॉट एन इंटरनल यूज़र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटरनल यूज़र कहे जाते हैं, जो इंटरनली इसको यूज़ करते हैं, ओनर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, ऑल ऑफ दी अबव। सो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे इंटरनल यूज़र हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू शो कंपनीज फाइनेंशियल पोजिशन, कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन को शो करना ऑब्जेक्टिव है, यस है, तभी तो हम फाइनेंशियल तभी तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं क्योंकि वही तो हमें फाइनेंशियल पोजिशन बताता है। टू शो कंपनीज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कंपनी कितनी ऑपरेट उसकी ऑपरेशंस में उसकी क्या एफिशिएंसी है, उसकी वर्किंग कैसी, ये बताना, तो ये हम ये बताते हैं। टू इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को भी चेक करते हैं, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। टू डिटरमाइन द इनकम टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स की लायबिलिटी को डिटरमाइन करना नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव हमारा ये बिल्कुल भी नहीं होता है। सो आंसर डी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होता है, एंटिसिपेटेड फैक्ट्स, रिकॉर्डेड फैक्ट्स, एस्टिमेटेड फैक्ट्स, नन ऑफ दीज। तो देखिए रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं, एस्टिमेटेड फैक्ट्स नहीं होते, हम एस्टिमेट कुछ भी नहीं करते, हुई चीज़ को हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड होता है। नेक्स्ट है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन प्रिपेयर करता है, कौन डिजाइन करता है, तो कंपनीज मैनेजमेंट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली अ फॉल्स स्टेटमेंट फॉर द करंट रेशियो एनालिसिस। तो जब आप करंट रेशियो का एनालिसिस करते हैं, रेशियो में करंट रेशियो जब कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें इसमें कौन सी बात सही नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो कह रहा है आइडल करंट रेशियो 2:1 होता है, ये बात सही है या गलत,
पहले आप ये सोचिए, आपको सिर्फ गलत बताना है। फिर करंट रेशियो मेजर्स द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ कंपनी। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन बताता है। करंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो, इसे हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं क्योंकि सारे करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड है। नन ऑफ दी अबव, कोई भी सही नहीं है, सॉरी कोई भी इसमें से गलत स्टेटमेंट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आइडल रेशियो 2:1 है करंट रेशियो का। करंट रेशियो जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्योंकि देखिए करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी ये शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं। करंट रेशियो को हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं क्योंकि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, नेट वर्किंग कैपिटल वही होता है। तो करंट वर्किंग कैपिटल रेशियो भी इसे कहते हैं। तो इसलिए इसका फॉल्स की बात अगर करें तो इसमें से कोई भी फॉल्स नहीं है। विच ऑफ दीज आर नॉट अ मैटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का तरीका नहीं है। हम रेशियो एनालिसिस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल कंपैरेटिव एनालिसिस से करते हैं, ट्रेंड से भी करते हैं, पर कैपिटलाइजेशन मेथड से नहीं करते हैं। तो आंसर हो जाएगा कैपिटलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एनालिसिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, फाइनेंशियल एनालिसिस क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को, क्या इसलिए सिग्निफिकेंट है। जज फाइनेंशियल पोजिशन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, वो फाइनेंशियल पोजिशन को जज करता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जज करता है। देखिए फाइनेंशियल पोजिशन आपका बैलेंस शीट बताता है, और आपका ड्यूरिंग द ईयर ऑपरेशनल एफिशिएंसी कौन बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बताते हैं। ठीक है, तो क्या ये इसको जज करता है, इसलिए सिग्निफिकेंट है। सफर्स फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो लिमिटेशन है वो उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। इट इज़ अफेक्टेड बाई पर्सनल एबिलिटी एंड बायसनेस ऑफ एनालिसिस, ये पर्सनल एबिलिटी और बायसनेस से अफेक्टेड होता है, मतलब इस पर फ़र्क पड़ता है कि लोगों की काबिलियत क्या थी बनाने की, और कहीं वो बायस हैं कि नहीं एनालिसिस करते वक्त। तो किस लिए सिग्निफिकेंट है, तो आंसर इज व्हाट, जज द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। फाइनेंशियल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फाइनेंशियल पोजीशन को जज करता है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बताता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज डन बाय एनालाइजिंग व्हाट, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कैसे होगा, किस चीज़ को एनालाइज करने से होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मोर देन वन ईयर, एक से ज़्यादा सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन ईयर, एक साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने से, क्वार्टरली करने से या हाफ ईयरली करने से। सो आंसर विल बी व्हाट, मोर देन वन ईयर। हम एक से ज़्यादा, मतलब जैसे कि 2-3 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है, तो ये आपके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग रेशियो एनालिसिस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।